नमस्कार बांसुरी प्रेमियों, मैं जीवन धामी आप सबों के सामने इस एपिसोड में लेकर आया हूं काबिल मूवी का टाइटल ट्रैक मैं तेरे काबिल हूं क्या। जी हां दोस्तों, ये वीडियो हिंदी में है। काफ़ी सारे सजेशंस को मद्देनजर रखते हुए मैंने यह तय किया कि हिंदी में वीडियो बनाया जाए। एंड इफ यू रियली बिलोंग टू अ प्लेस और पार्ट ऑफ आवर नेशन वेयर यू आर हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी लैंग्वेज एंड आई हैव प्रोवाइडेड सबटाइटल्स फॉर यू गाइस, प्लीज टर्न ऑन दैट बटन। सो जैसे कि हर बार की तरह, सबसे पहले पूरे गाने का कवर और उसके बाद सबसे पहले पैराग्राफ का ट्यूटोरियल। तो कृपया कर बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सबों का इस ट्यूटोरियल सेगमेंट में। जैसा कि हर बार की तरह, पहले मैं बताऊंगा लाइन दिखता कैसा है और उसके बाद एक स्लो वर्जन उसका, जिसमें आपको मैं नोटेशन भी बताऊंगा और उसके दौरान आपको मेरी उंगलियों के चलन भी देखने हैं। तो पहला लाइन होता है कुछ इस तरीके से।
जैसा कि आप लोगों ने सुना, पहला लाइन स्टार्ट होता है एक ट्रम्पेट के इंटरल्यूड से, जो कि होता है कुछ इस प्रकार। जो कि एक्चुअली में बस दो ही लाइन है जिसे अल्टरनेटिवली रिपीट किया गया है, 1 2 फिर 1 फिर 2। नाउ स्लोली, अब आपको स्लोली दिखा रहा हूं। ये स्टार्ट होता है प से हायर ऑक्टेव में, जो कि पहला लाइन है। परेशानी धपसानी प परेशानी धपसानी, फिर से परेशानी धपसानी प परेशानी धपदानी। तो इस दो लाइन को आपको दो बार रिपीट करनी है। फिर उसके बाद आता है सबसे पहला लाइन, तेरे मेरे सपने सभी, तेरे मेरे सपने सभी, जो कि कुछ इस तरीके से। अब स्लोली ये स्टार्ट होता है नी से, फिर से जो कि है नी नी धनी प ध प ग। यहाँ पर सिर्फ ग जो है वो लोअर ऑक्टेव में है और बाकी सारी चीजें, बाकी सारे नोट्स हायर ऑक्टेव में, जो कि है नी नी धनी प ध प ग। और लाइन नंबर 4 है जो तेरे मेरे, जी हाँ, लाइन नंबर 3 को आपको एक बार और रिपीट करनी है। तो आपको पता है उसका भी नोटेशन एग्जैक्टली सिमिलर होगा, जो कि लाइन नंबर 3 का ही था। फिर से लाइन नंबर 4 है, सपने सभी बंद आंखों के ताले में। ये भी बिल्कुल वही टोन में लाइन कही गई है जो कि लाइन नंबर 3 था। तो इसका भी नोटेशन एग्जैक्टली वही फिर से सेम होगा। तो बंद आंखों के, फिर से स्लोली इस बार, नी नी धनी प ध प ग प ध प ग। अब आते हैं लाइन नंबर 5 पे, चाबी का। तो ये वाली जो लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ ध पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है। इसमें आपको एक कोमल ध भी है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ लाइन किस तरह से है एक्चुअली। यहाँ पर जो म, इस पूरे गाने के अंतर्गत जितने भी म म टोन जो मैं ले रहा हूँ वो सारे तीव्र म है। तीव्र म कहने का अर्थात पूरा खोल के, ध ध ध ध, दो शुद्ध ध, फिर तीसरा जो ध है वो एक कोमल ध है, अब फिर शुद्ध ध। ध ध कोमल ध शुद्ध ध म म गरे, ध ध ध ध म म गरे। तो आपको अगर डबल नोट कहने ध ध तो इस प्रकार 2 पैकेट्स ऑफ एयर थ्रो करने हैं आपको। चाबी का ढूंढे बता वो चांद के प्याले में, वो चांद के प्याले में है लाइन नंबर 6। और लाइन नंबर 5, चाबी कहाँ ढूंढे बता, चाबी कहाँ ढूंढे बता और वो चांद के ताले में, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6। तो बिल्कुल इसके भी नोटेशंस एग्जैक्टली सिमिलर होंगे लाइन नंबर 5 की तरह, जो कि है ध ध ध ध म म गरे,
था लाइन नंबर 7 जो कि काफी लंबा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ध पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये वाला जो लाइन है लाइन नंबर 7 वो काफी ध पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अब मैं आता हूं स्लो फॉर्म में जो कि है, ये भी ध से ही स्टार्ट होता है और सिर्फ ध पे ही कॉन्सेंट्रेटेड। ध ध ध ध धनी प ध ध ध ध ध ध नी स ध प म ग। तो आप देख सकते हैं कितनी बार आगे की ओर ध ध कहा गया है और ये सारे स्टाइल को ही आपको कॉपी करनी है। अब आते हैं लाइन नंबर 8 पे जो कि गाने का मेन लाइन है जो कि है, मैं तेरे काबिल हूं यार। अब स्लोली ग म रे ग प ध प म ग म रे ग प ध प म। याद रखें जहां पर भी मैं म कह रहा हूं वो सारे तीव्र म है। ग म रे ग म ध प म। और लाइन नंबर 9, ग रे ग म प म ग ग रे ग म प म ग। और ये लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 9 को आपको दो बार कहनी है, लाइन नंबर 8 लाइन नंबर 9 फिर 8 फिर 9 इस तरीके से। ये सुनिए फिर से। तो यहाँ पर ये सबसे पहला पैरा खत्म होता है। तो ये था सबसे पहले पैराग्राफ का ट्यूटोरियल। तो आशा करता हूँ ये आपको काफ़ी मददगार लगा होगा। तो अगर आपको इस ट्यूटोरियल वाले पार्ट में किसी भी तरह की कठिनाई हुई हो समझने में तो मैंने अपने फेसबुक पेज पर इसके नोटेशन लिखित रूप में डाल रखे हैं, आप वहाँ ज़रूर जाएं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और उस नोटेशंस को देखें। अगर आपको इस गाने के या फिर कोई भी हिंदी इंग्लिश रीजनल सॉन्ग या फिर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो या फिर नोटेशंस चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपको बांसुरी वादन में थोड़ी भी रुचि है तो भविष्य में ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। तो वादा करता हूँ आपसे मिलने के अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप फ्लोटिंग।